विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने एक बार फिर अपने भाई उमर अकमल को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल करने का मुतालबा कर दिया है। कामरान अकमल का कहना है कि उमर अकमल की सजा खत्म हो चुकी है और अब उन्हें टीम में सेलेक्ट किया जाना चाहिए। कामरान अकमल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर जोर दिया है कि उमर अकमल का रिहैबिलिटेशन प्लान जल्द अज जल्द शुरू किया जाए और इसमें मजीद ताखीर न की जाए। कामरान अकमल कहते हैं कि दूसरे क्रिकेटर्स की तरह उमर अकमल को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस कैंप में बुलाया जाए ताकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट और PSL के अगले सीजन के लिए खुद को तैयार कर सकें। याद रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल की सजा मुकम्मल होने के बाद उन्हें 42.5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने और रिहैबिलिटेशन प्लान मुकम्मल करने का कहा है। उमर अकमल का कहना है कि जुर्माने की रकम बहुत ज्यादा है और वो ये रकम एक साथ अदा नहीं कर सकते। इस सिलसिले में कामरान अकमल का कहना है कि उमर अकमल जुर्माना अदा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पेशकश की है कि वो उनके PSL के बकाया जात में से उनके भाई उमर अकमल का जुर्माना काट लें। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के बकिया मैचेस के हवाले से बात करते हुए कामरान अकमल का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के लिए पहले भी अच्छे इंतजाम किए थे और अब भी ये खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है कि वो SOPs पर सख्ती से अमल करें ताकि जून में PSL के बकिया मैचेस का इनेकाद यकीनी बनाया जा सके, क्योंकि जून के अलावा इन मैचेस के लिए विंडो अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की T20 मैचेस में कारकर्दगी के बारे में कामरान अकमल कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को नित नए तजर्बात का सिलसिला अब बंद कर देना चाहिए। कामरान अकमल का कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर को T20 मैचेस के लिए शुएब मलिक के एक्सपीरियंस की जरूरत है। पाकिस्तानी टीम में इमाद वसीम को शामिल न किए जाने पर तबसरा करते हुए कामरान अकमल कहते हैं कि इमाद वसीम ने टीम मैनेजमेंट से रेस्ट का कहा था, मगर टीम मैनेजमेंट ने उन्हें टीम से ही निकाल बाहर किया। कामरान अकमल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस तरह के फैसलों पर अफसोस का इजहार किया है। कामरान अकमल ने फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को भी पाकिस्तानी टीम में शामिल करने पर जोर दिया है। कामरान अकमल समझते हैं कि अगर पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप T20 में बेहतर खेल पेश करना चाहती है तो टीम में शुएब मलिक और मोहम्मद आमिर जैसे तजर्बाकार खिलाड़ियों को खिलाना होगा। कामरान अकमल का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया जैसी टीमों से मुकाबले के लिए कप्तान बाबर आजम और कोचेस को अभी से क्लियर प्लानिंग की जरूरत है।